फैसले का असर नहीं होगा। यानी अब से ये फैसला लागू होगा कि जितने भी ये प्रमाण पत्र थे ओबीसी के वो निरस्त हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले जिनको लाभ मिल गया नौकरी में उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। 2010 में हाँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी अब जो रैलियां कर रही हैं, रैलियों में इस बात का वो जिक्र कर रही हैं कि भाजपा का ये फैसला है, ये भाजपा का फैसला भी उन्होंने करार दे दिया। ये भी कह दिया, कहा कि इस फैसले को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने ही इस फैसले को तरजीह दी है, इस फैसले को सुनाया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस फैसले को मैं नहीं मानूंगी, लेकिन आप समझिए, चूंकि 2010 का ये बात है, 2010 से पहले जो भी आरक्षण मिले हैं उनको यथावत लागू किया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और लेकिन हाँ, दीपिका, कोर्ट का फैसला अगर आप नहीं मानते हैं तो आप ये सोचिए कि आप सीएम होके कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि अगर कोई फैसला कोर्ट सुनाता है तो उसे आम जनता भी फॉलो करेगी? और यहाँ पर देखिए, पीएम मोदी ने बोल दिया है कि तुष्टिकरण करने वालों के मुंह पर ये तमाचा है। तो फैसले पर चुनावी रैली में उन्होंने ये बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा बंगाल सरकार वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को अनाप शनाप तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र दे रही थी, लेकिन अब इसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। देखिए, बड़ी बात यह है, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है, कह सकते हैं गीतू, किस तरीके से यहां पर पहली मर्तबा फटकार नहीं लगी, इससे पहले भी कई मसलों पर फटकार लग चुकी है।